अस्सलाम वालेकुम, आई एम हरीम खान, आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक व्हाट इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज अ टू वे चार्ट विच डिस्क्राइब द टॉपिक टू बी कवर्ड बाय अ टेस्ट एंड द नंबर ऑफ आइटम और पॉइंट विच विल बी एसोसिएटेड विद ईच टॉपिक। Some teacher don't know what test should I give to my student. Need some help. What is table? A table is an arrangement of data in a rows and column, or possibly in a more complex structure. The main purpose of a table is to set and store data in an organized way that allow to achieve educative objective. Specification, a blueprint or a document framework of an assessment. Significance and component of a table of specification. Cubison and Body 2003 emphasize the following significance and component of table of specification. Number 1 point, a table of specification consists of two-way chart or grid relating instructional objective to the instructional content. The column of the chart lists the objective or a level of skills to be addressed. टेबल में जो रो है वो हॉरिजेंटली और कॉलम्स को वर्टिकली अरेंज किए जाते हैं, फिर हम इनमें डेटा डालते हैं। वो डेटा हम इंस्ट्रक्शनल कंटेंट की मदद से अपने टीचिंग स्ट्रेटजी के लिहाज से हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। आया अगर मैं क्लास में नॉलेज के सवाल लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना रही हूँ, तो मैं असिस्टमेंट में भी बच्चों से लर्निंग यानी कि नॉलेज के ही हिसाब से सवालात करूँगी। अगर मैंने उन्हें अंडरस्टैंडिंग के सवालात करा हैं, तो मैं उनसे अंडरस्टैंडिंग के ही सवालात कराऊँगी। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स 1971, वी हैव फाउंड इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द रिलेशन ऑफ कंटेंट एंड बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल टू बी ऑब्जेक्टिव ऑन वन एक्सिस द कंटेंट ऑन द अदर। यहाँ पे ब्लूम्स ने बड़ी अच्छे से वजाहत किए और बताया है कि कंटेंट का किस डोमेन से ताल्लुक रखता है। आया कंटेंट नॉलेज से ताल्लुक रखता है, तो हम बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की स्किल्स पैदा कर रहे हैं। अगर हम अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं, तो बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज डेवलप करवा रहे हैं। अगर हम उन्हें एप्लीकेशन या फिर एनालाइज, सिंथेसाइज या इवोल्यूशन करवा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम जो है अपने असेसमेंट यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम असेसमेंट की तैयारी करते हैं। नंबर टू, अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाई Not only the content area covered in class, it identifies the performance objective at level of the cognitive domain of Bloom's taxonomy. वही बात यहाँ पे, सिर्फ ये content को ही cover नहीं करवाता है, बल्कि ये performance देखता है कौन से level के cognitive domains के अंदर जो है हम करवा रहे हैं, उसकी मदद से हम जो है अपना paper तैयार करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज डेवलप बिफोर द टेस्ट इज रिटन। इनफैक्ट इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड बिफोर द एक्चुअल टीचिंग बिगिनिंग। नंबर फोर पॉइंट, द पर्पस ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टू आइडेंटिफाई द अचीवमेंट डोमेन वी कैन मेजर एंड टू इंश्योर द फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स ऑफ क्वेश्चन अपियर ऑन द टेस्ट। नाउ टेस्ट लेंथ टाइम, Carey 1998 pointed out the time available of for testing available for testing depend not only the length of class period but also on student attention span. यहाँ पे मैं वजाहत करती चलूँ, हमें असेसमेंट के लिहाज से सिर्फ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मदद नहीं देती, बल्कि हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को जो है वो हम अपने मंथ या ईयर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर हमारे को पता चल जाता है कि डेली बेसिस के अंदर हमें कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ाने हैं एक दिन के अंदर, और कितने पीरियड का टाइम है कि ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, और कौन से डोमेन पे हमें काम करवाना है
वो भी हम इस लेंथ टाइम के हिसाब से जो है वो मेजरमेंट करते हैं। फिर आया हम पेपर के लिहाज से, असेसमेंट के लिहाज से बात करते हैं, तो एक पेपर के अंदर जो है वो एक टाइम क्राइटेरिया दिया जाता है। अगर 3 घंटे का पेपर है तो हम इसी हिसाब के MCQs रखते हैं, शॉर्ट आंसर के हम टाइमिंग रखते हैं, इसी हिसाब से हम लॉन्ग क्वेश्चन की टाइमिंग रखते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। टाइप ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। सम रूल ऑफ थंब एग्जिस्ट फॉर हाउ लॉन्ग इट टेक मोस्ट स्टूडेंट टू आंसर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लीन्स एंड ग्रॉन लॉ 2000। नंबर वन, अ ट्रू फॉल्स आइटम टेक 15 सेकेंड। ट्रू फॉल्स आइटम को यहाँ पे 15 सेकेंड दिए गए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को सोचने का अमल होता है, तो इसलिए इसकी टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है और 30 to 40 सेकेंड दे दिए गए। नंबर टू, अ 7 आइटम मैचिंग एक्सरसाइज टेक 60 to 90 सेकेंड। नंबर थर्ड पॉइंट, अ 4 रेस्पॉन्स मल्टीप्लाई चॉइस आइटम दैट आस्क फॉर एन आंसर रिगार्डिंग डेफिनेशन रूल्स और प्रिंसिपल नॉलेज लेवल। यहाँ पे 4 रेस्पॉन्सिस मल्टीपल चॉइस के बताए गए हैं। अगर वो नॉलेज का सवाल है तो उन्हें 30 सेकेंड दिए जाएंगे, और अगर वही सवाल एप्लीकेशन का है तो उसका टाइम बढ़ा दिया जाएगा और वो 60 सेकेंड में दे दिया जाएगा। इसी तरीके से एनी टेस्ट आइटम फॉर्मेट दे रिक्वायर्ड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एनालाइजिंग सेंथिसाइजिज इंफॉर्मेशन इवेलेटिंग एग्जाम्पल एट 30 to 60 सेकेंड टू अ क्वेश्चन। अब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। चले तो सब्जेक्टिव में यहाँ पे शॉर्ट आंसर आइटम को 30 to 45 सेकेंड एंड ऐसे टाइप को जो है 60 सेकेंड, यानी कि समझने के लिए हम 1 मिनट तक भी टाइम देते हैं कि वो उसे समझे और अटैम्प करने की भी कोशिश करे। टेस्ट इंस्ट्रक्शन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक तरीके से बताता है कि हमें सिर्फ लोअर ऑर्डर थिंकिंग पे काम नहीं करना है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से टीचर को पता चलता है कि वो अपना पेपर और लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेहतर से बेहतर जो है वो डोमेन यानी कि हर ऑर्डर थिंकिंग की स्किल तक जो है वो टच कर लें। वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या होती है? अश्योरेंस हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ वैलिडिटी एक टीचर को ही नहीं पता चलता है, बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी परफॉर्मेंस अभी नहीं पता चल रही होती है कि आया वो कहाँ पे किस लेवल पे हैं। नॉलेज पे हैं तो उन्हें नॉलेज के सवाल जो है वो टीचर देंगी। इसी तरीके से वैलिडिटी यानी कि टीचर्स के लिए यहाँ से वो प्रोफेशनल जजमेंट करता है। अगर उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव वही बात नॉलेज के रखी है तो वो एप्लीकेशन के सवाल नहीं दे सकता, क्योंकि उसने क्लास में एप्लीकेशन के सवाल नहीं पढ़ा है, तो वो अपनी वैलिडिटी वहीं से मेजरमेंट करता है। हाउ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प द असेसमेंट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉडिफिकेशन है मीट योर नीड। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द गोल ऑफ इज द स्ट्रेटजी। हर अकेडमी की अपनी एक नीड और अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उस हिसाब से उनके इंस्ट्रक्शनल कंटेंट बनाए जाते हैं। फिर उस इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को हम अपने ऑब्जेक्टिव में यानी कि लेवल ऑफ ब्लूम्स की हम जो है काम करते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों की क्वालिटी को जो है वो मदद करती है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कि जो हमारा गोल था वो आया कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग पे ही काम कर रहे हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बेनिफिट इन टू वे, ये दो तरीके से फ़ायदेमंद देते हैं। फर्स्टली वही बात, ये इम्प्रूव करता है वैलिडिटी ऑफ टीचर की। इसी तरीके से सेकेंडली हम बात करते हैं, ये इम्प्रूव करता है स्टूडेंट की लर्निंग को कि व्हाट इज टच एंड व्हाट इज टेस्ट, क्या पढ़ाया जाए और क्या टेस्ट लिया जाए। कोलैबोरेशन कंस्ट्रक्शन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन सिर्फ टीचर ही नहीं बनाता है, टीचर जो है वो मिलजुल के अपने एकेडमिक से अपने स्टूडेंट की नीड को इंटरेस्ट को देखते हुए उनके लेवल को देखते हुए और कंटेंट एरियाज को देखते हुए टाइम के लेंथ को देखते हुए तमाम चीज़ों को कोलाबरेट करते हुए इसको डिज़ाइन करते हैं कि व्हाट आर द मेन आइडियाज एंड टॉपिक, व्हाट इम्फेसाइज शुड बी प्लेस ऑन ईच टॉपिक, व्हाट शुड बी ऑन द टेस्ट।
अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना सिखा रही हूँ, द कंस्ट्रक्टिंग द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टेप नंबर वन, डिटरमाइन द टॉपिक टू बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट। यहाँ पे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यानी कि यहाँ टेबल दी गई है, इट इज़ अ टेबल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम्स बने हुए और रोज बने हुए। तो फर्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को जो है इन्होंने शो किया है एरो से, और यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर। स्टेप नंबर टू, डिटरमाइन द नंबर ऑफ हार्ट्स मिनट एलोकेटेड ऑन योर स्पेंड फॉर ईच टॉपिक। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि हम अपने असेसमेंट के लिहाज से भी और अपनी टीचिंग लर्निंग के हिसाब से भी हम अपने टाइम की मेजरमेंट जो है वो रखेंगे और टॉपिक को कवर करेंगे। तो सेकंड, आप देख सकते हैं कि थर्ड कॉलम पे यहाँ पे हर्ट्स जो है वो दिए गए हैं। मैं लास्ट में आपको सारे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो पुट करना यहाँ सिखाऊंगी। नंबर थर्ड पॉइंट, डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड देयर परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। अब हम जो लेवल्स है वॉल्यूम्स के जो लेवल है उनको हम परसेंटेज दे रहे हैं। ईजी है तो 30%, एवरेज है तो 50%, डिफ़िकल्टी है तो 20%। अब ये वॉल्यूम्स के सब लेवल हैं, नॉलेज 50%, कॉम्प्रिहेंशन 15, अप्लीकेशन 25%, एनालिसिस 25%, सेंथिसाइसिस 10%, इवोल्यूशन 10%। टोटल जो है हमारा पूरा जो है वो 100 पे आनी चाहिए कि हमारा पूरा हर डोमेन को हमें टच करना है और हर टॉपिक से लेना है। ये नहीं सिर्फ हम फर्स्ट चैप्टर से ही सवालत को ले लेंगे या सिर्फ सेकंड चैप्टर से ले लेंगे या शुरुआत के होल जो हमारा कोर्स है उसमें से हम लेंगे और तमाम डोमेन से हम जो है वो मेजरमेंट करके और वो सवाल वो हम पुट करते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी, और वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर हमारे वो क्या बन जाते हैं, असिस्टमेंट बन जाते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसी तरीके से बात करते चलें, ईजी में हमारे पास नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन आता है जो कि हम 30% है। एवरेज की बात करते चलें तो ये एप्लीकेशन और एनालिसिस है 50%, डिफ़िकल्टी सिंथेसाइज एंड इवोल्यूशन 20%। अब यहाँ पे सब लेवल बताए गए हैं। यहाँ पे टेबल्स में मैंने इसको जूम करके दिखाया है कि जो डोमेन था उसको हम मैंने फर्दर सब लेवल में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट यानी कि नॉलेज 50% है, कॉम्प्रिहेंशन 50% है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन 25% है, एनालाइज सिंथेसाइज इवोल्यूशन। टोटल आप करेंगे तो आपके पास टाइप ऑफ आइटम जो है वो 100 होना चाहिए। इसी तरीके से तमाम आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो हर डोमेन से टच होने चाहिए और हर यानी कि हर चैप्टर्स को हम फॉलो करते हुए और ऑल जो है वो पेपर बनाएंगे। स्टेप नंबर फोर, डिटरमाइन द टाइप ऑफ आइटम। अब हम टाइप्स ऑफ आइटम पढ़ के आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम में मल्टीपल च्वाइस है, शॉर्ट आंसर आइटम है, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स, अल्टरनेशंस मैचिंग। सब्जेक्टिव टाइप में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको जिस लेवल के क्वेश्चन रखने हैं, अगर आप एमसीक्यूज रख रहे हो तो एमसीक्यूज की टाइमिंग भी हमें बता दी चुकी है और उसके स्कोर्स भी जो है वो आपके क्राइटेरिया आपको दिया जाता है कि किस क्राइटेरिया पे आप काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से तो जो है वो हम स्कोर रखते हैं। अगर शॉर्ट आंसर है तो उसके स्कोर कम होते हैं, अगर लॉन्ग आंसर है तो उसके स्कोर ज़्यादा होते हैं। स्टेप नंबर फाइव, डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम फॉर ईच टॉपिक पर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। अब बात करते चलते हैं कि नंबर ऑफ आइटम, हमें क्वेश्चन की तादाद पता होनी चाहिए कि हर टॉपिक से कितनी लेनी है। अब वही बात कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेपर जो है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से बनाएंगे तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर सिंथेसाइज और इवोल्यूशन से बनाएंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन और एनालिसिस से बनाएंगे
तो पेपर एवरेज में आ जाएगा। एवरेज का मसाल यहाँ पे ये नहीं है कि नॉर्मल, हमें पूरा पेपर जो है वो नॉर्मल बनाना चाहिए। और नंबर ऑफ आइटम जो है यहाँ पे हम सब्जेक्टिव यानी कि हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पुट करेंगे उसी हिसाब से हम आइटम रखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल नॉलेज के सवाल 2 है तो हम जो है नंबर ऑफ टोटल में हम 2 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर एप्लीकेशन में तो 2 लिखेंगे, अगर इसी तरीके से सेंटिसाइज में तो 2 लिखेंगे। लास्ट मैंने 9th क्लास की सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की बात की है, तो यहाँ पे मैंने लर्निंग कंटेंट जो है मैंने इंस्ट्रक्शनल कंटेंट यहाँ पुट किए हैं। ओनली फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ओरिजन ऑफ मुस्लिम साइंस, मुस्लिम वर्सेस। अब यही इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को जो है मैं ऑब्जेक्टिव में पुट कर रही हूँ। नाउ यू लुक, अब वहाँ पे बायोलॉजी की ब्रांच की बात की जा रही थी, व्हाट इज बायोलॉजी। यहाँ पे मैंने एक्शन वर्ब यूज़ किया है डिफाइन, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना दिया है। अब ये डिफाइन जो है वो एक एक्शन वर्ब है, इसका ताल्लुक जो है कि जो ब्लूम बता रहा था कि कौन से बिहेवियर कौन सी परफॉर्मेंस से रख रहा है, ये नॉलेज से रख रहा है। तो हमने बता दिए परसेंटेज भी बता दिए कि 50% जो है वो नॉलेज के सवाल आते हैं, उसी हिसाब से आप 15% अगर आप एमसीक्यूज रख रहे हैं तो आप एमसीक्यूज के सवाल उसी हिसाब से स्कोर करते हुए रख देंगे। अगर आप शॉर्ट आंसर रख रहे हैं तो आपको एक क्राइटेरिया दिया जाएगा, इसी तरीके से आप लॉन्ग आंसर रख रहे हैं तो इसी हिसाब से आप यहाँ पुट कर दोगे। डिफाइन अ मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, अब यहाँ पे भी मैंने सेकंड में वहाँ ब्रांचेज की बात की गई थी, मैंने यहाँ पे एक्शन वर्ब यूज़ कर दिया डिफाइन। डिफाइन का ताल्लुक भी नॉलेज से है, फिर वही बात परसेंटेज यहाँ रख दी गई है 50%। फिर नंबर थर्ड 1.3, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मैथड। डिस्क्राइब का ताल्लुक जो है वो कौन सी परफॉर्मेंस ऑफ स्किल यानी कि सब लेवल पे आती है, वो अंडरस्टैंडिंग पे आती है, तो अंडरस्टैंडिंग पे जो है वो 20% है। फिर नंबर ऑफ आइटम जो है वो हम वैसे ही पुट करेंगे 20, अगर आप ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव रखना चाह रहे हैं। इसी तरीके से 1.4, रिलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम विद द करंट नॉलेज अबाउट प्लांट एंड एनिमल। रिलेट का ताल्लुक भी नॉलेज से ही है, ये एक्शन वर्ब है जो कि नॉलेज से इसका ताल्लुक है, इसकी भी परसेंटेज 15 पे ही आती है। इसी तरीके से 1.5, रिलेट एट लीस्ट 3 वर्सेस फ्रॉम होली कुरान इंस्ट्रक्टिंग द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। रिलेट जैसे सैम पहले भी हम बात कर चुके, 50%। नंबर 1.6, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्पोटेनियस ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेन का ताल्लुक जो है कि एक्शन वर्ब जो है इसका ताल्लुक अंडरस्टैंडिंग से है। अब ओवरऑल जो है हम मेजरमेंट अगर स्कोर हम बात करते हैं 15 15 20 फिर 15 है, इसी तरीके से आप 4 15, और टोटल अगर आप सिर्फ मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, तो टोटल जो है मेरी स्कोर जो है वो क्या हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप असेसमेंट बनाना चाह रहे हैं तो असेसमेंट का ताल्लुक जो है वो भी आपके इसी तरीके से असेसमेंट का ताल्लुक आपके पेपर से होगा, उसी हिसाब से आप अपनी लोअर ऑर्डर, ये थोड़ी लोअर ऑर्डर थिंकिंग थी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के सवाल थे। आप बेहतर से बेहतर जो है वो, सो यू मेक श्योर नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच लेवल इज सुटेबल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड परसेंटेज। थैंक यू, मेक श्योर यू हैव फॉलो द नंबर ऑफ आइटम, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड द लेवल ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एज बेसिस योर टेस्ट कंस्ट्रक्शन।